नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग टॉपिक, अलग विषय के बारे में आपके सामने बात करने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है बेसिकली कि सोफ्तामो का क्या ओपिनियन है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, कौन सी कंट्री बेटर है और उसके पीछे बेटर होने का रीज़न क्या है, जो कि मे भी शायद अगर आप एंड तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और काफ़ी सारे समस्या का इसमें समाधान दिया गया है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक बार मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सा कंट्री या कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर हो सकता है और किस तरह से हमने क्या क्या पॉइंट के ऊपर रिसर्च किया हुआ। जो सबसे पहला जो डिग्री है, डिग्री वन हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि जो रियल में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद बात है, इसको खास आपको गौर करना आवश्यक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आती है, अगर मैं बात करूँगा एज़ पर इज़ ग्रेडिंग वन या फिर डिग्री वन, कि किस एंगल से आपको सोचना चाहिए, किस नज़रिए से सोचना चाहिए, तो सबसे पहला जो आएगा ग्रेडिंग वन के अंदर तो वो आएगा कॉलेज का हिस्ट्री। यूनिवर्सिटी कितना पुराना है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या मेडिकल एक्सपीरियंस है, किस टाइप के फैकल्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है जब आप कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके डॉक्टर कैसा बनेगा वो आप महसूस कर सकते हो खुद से। दूसरी आती है बात मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि यूनिवर्सिटी के पास कितना बेड का हॉस्पिटल कैपेसिटी है, कितनी उसकी एफिलेटेड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, क्या वहाँ पे पेशेंट फ्लो है उनके पास, ये चीज़ें ध्यान में रखनी आवश्यक है। और ये चीज़ें जब मैं बात करूँगा तो ये सिर्फ अब्रॉड के लिए बात नहीं हो रही है, ये इंडिया को भी इम्प्लीमेंट हो सकती है ये चीज़ें। तो जब इंडिया के अंदर भी कोई यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना आपको आवश्यक है। उसके बाद बात आती है पॉपुलेशन की, कई जगह पे यूनिवर्सिटी आपको बहुत बढ़िया दिखेगी, कंट्री भी आपको इवन बहुत बढ़िया दिख रही होगी, लेकिन वहाँ पे पेशेंट का फ्लो कब मिलेगा, जब वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ही नहीं होगी बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो पेशेंट नहीं आएंगे, और पेशेंट नहीं आएंगे तो कहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है रैंक ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का जो रैंक होता है वो वर्ल्ड रैंक भी होता है और कंट्री रैंक भी होता है, ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। कई बार वर्ल्ड रैंक के नाम पे आपको गुमराह भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है बेस्ड ऑन विच स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम के बेस पे उसको वर्ल्ड रैंक मिला हुआ है। उसके बाद आता है एक्रीडेशंस, ये बहुत ही ज़रूरमंद पहलू है, लेकिन एक्रीडेशन क्या क्या होना ज़रूरी है। एक्रीडेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला तो MC एक्रीडेशन होना आवश्यक है, तभी जाके आप FMG का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाओगे। दूसरा है WHO का है, और उसके बाद जो आती है ECFMG की या GMC की जो बातें होती है, एक्रीडेशन रिक्वायर्ड है, वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट सिर्फ 5 लोग का ऐसा ड्रीम होता है कि जो लोग सोचते हैं कि USA जाना है, UK जाना है, तो उनके लिए चीज़ मायने रखती है। अदरवाइज होता है कि नहीं होता है उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यस WHO और MCA तो कंपल्सरी होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे हमने बोला कि एक्रीडेशन पार्ट वो एक मायने रखता है, वैसे ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मायने रखता है। हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट पहलू होता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम होती है, कई लोग वो चीज़ को मैनिपुलेट करके आपके सामने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उससे आपको गुमराह करने को ट्राई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर 4.5 साल का एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पर HSK की एग्ज़ाम है, तो कई बार उससे आपको मिसगाइड करने को ट्राई किया जाता है, वो कोई इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन। वैसे यूक्रेन में क्रॉक का एग्ज़ाम है फ्रॉम द बिगिनिंग है, लेकिन लास्ट ईयर से उसको थोड़ा रिवाइज करके दिखाने को ट्राई किया जा रहा है बच्चों के सामने या पेरेंट्स के सामने, और डराने को ट्राई किया जा रहा है, जो कि एक गलत बात है। इट्स अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द कंट्री, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे आके FMG का रिजल्ट आपको अच्छा दिख रहा है। और वही चीज़ फिलीपींस में NMET को गलत तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन आज की डेट में फिलीपींस का रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है FMG का। तो ये चीज़ें मायने रखती है, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर उसका एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से डर रहे हो तो नीट से भी आपको डरना था।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे चाइना है, तो चाइना के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेप लेके जो बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ थी उसको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन रशिया के अंदर आज की डेट में भी कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है जो कि बाइलिंगुअल में पढ़ाई करवाती है या तो रशियन में पढ़ाई करवाती है। बच्चों को यहाँ पे पता नहीं होता है, कम फीस की लालच में वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और वहाँ पे जाके पता चलता है कि वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो बाइलिंगुअल में हो रही है। उसके बाद आता है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर में आपको अपना बजट पहले डिसाइड करना है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेगी, एक तो मीडियम बजट और एक हाई बजट। आपका बजट पहले डिसाइड कीजिए और उसके बेस पे आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और बजट के अंदर हमेशा ट्राई कीजिए कि 5 से 6 लाख रुपए बफर में जोड़ के रखें। उसके बाद जो बात आती है वो बहुत अहम पहलू है जो कि बहुत कम लोग को मालूम होता है। यहाँ पे हम लोग एक लिंक शो कर रहे हैं और वो लिंक के ऊपर जाके आपको 3 साल का 3 बार का जो परफॉर्मेंस लेवल है FMGE का वो देखने को मिलेगा। हमने काफ़ी बार वो चीज़ दिखाने के लिए ट्राई की हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक बकायदा देखने को मिलेगी। तो नेटबोर्ड की वेबसाइट के ऊपर 3 रिजल्ट रखे हुए। पहले FMGE हर साल इसके ऊपर रिसर्च नहीं करती थी, लेकिन अभी से उन लोगों ने ये शुरू किया हुआ है। पहला जो रिज़ल्ट था वो 12 से 14 का एवरेज रिज़ल्ट है, उसके बाद 15 से 18 का एवरेज रिज़ल्ट है और उसके बाद 19 का रिज़ल्ट रखा है और मे बी इस साल 20 वाला भी रिज़ल्ट आपको देखने को जल्दी मिलेगा। तो ये FMGE के रिज़ल्ट के परफॉर्मेंस को खास ध्यान में रखना आवश्यक है और ये चेक किए बिना कभी भी किसी यूनिवर्सिटी का चयन ना करें। उसके बाद जो सबसे बड़ी दूसरी चीज़ आती होती है सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी और आउटसाइड यूनिवर्सिटी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँगा तो सेफ्टी आपकी आपके हाथ में रहती है। पूरे दिन आप कैंपस में हो, कैंपस में तो कहीं पर भी कोई कंप्लेंट रेशियो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब नाइट लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो वहाँ पर कुछ भी, तो ट्राई करें कि अकेले ट्रैवल ना करें कहीं पे भी। उसके बाद अगर सेकंड डिग्री पैरामीटर्स की हम लोग बात करेंगे, सेकंड डिग्री पैरामीटर्स एक्चुअली ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उतने ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यस उसका थोड़ा मायने तो रखता है यहाँ पे। तो सबसे पहला होता है डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया टू द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको साल में एक बार या दो बार जब भी ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस कितना है वो आपको मायने रखता है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है वहाँ पे, कौन सा नज़दीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद सेकंड बात करेंगे तो एकोमोडेशन गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। नॉर्मली देखिए कोई भी कंट्री में जाएंगे तो गवर्नमेंट अगर पुराना एकोमोडेशन रहेगा तो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं रहेगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं प्रीफर करते हैं प्राइवेट को, लेकिन जिनका बजट कैपेसिटी कम है वो गवर्नमेंट को भी प्रीफर कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी मेजर इशू। उसके बाद फूडिंग की जो बात है, फूडिंग के अंदर हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि सेल्फ कुकिंग इट्स अ बेटर ऑप्शन, लेकिन अगर मैस फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको पसंद आता है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरी बात आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंटली कितने हैं यूनिवर्सिटी में। ये एक पहलू आप बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर कम्युनिटी ज़्यादा रहेगी इंडियन स्टूडेंट की तो आपको भी थोड़ा होमसिकनेस कम फील होगा। तो ये जो थे मेन अहम पहलू थे जो ध्यान में रखने आवश्यक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सोफ्तामो ग्रेडिंग सिस्टम से, हमने कुछ कंट्री को ग्रेड वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर ग्रेड 1 है वो सबसे पहला आपके लिए अहम पॉइंट होना चाहिए सिलेक्शन करने के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है ग्रेड 1 के अंदर, जो सबसे पहली कंट्री हम लोग बोल सकते हैं, वो है रशिया। लेकिन रशिया में भी 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। एक है वहाँ पे फेडरल यूनिवर्सिटी, दूसरी है रिसर्च और तीसरी है वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ज़्यादातर ट्राई कीजिए फेडरल और रिसर्च को प्रायोरिटी देने का। उसके बाद सेकंड अगर कंट्री में बोलूँगा तो आएगी यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पार्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर बेनिफिट रहता है कि यूरोपियन कल्चर का आपको। दूसरी बात रहती है वहाँ पे सेफ्टी वाइज बहुत सेफ हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन रशिया का वॉर भी हुआ था 2014 में। तो जितने ईस्टर्न पार्ट में आप जाएंगे वहाँ पे आपको दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं। पहले भी स्टूडेंट लोगों ने मार झेला हुआ है, जब क्रीमिया वॉर हुआ था उस टाइम पे लुगांस और डोनेस्क सभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस हुआ था और वो स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र लिया था वेस्टर्न पार्ट के अंदर। उसके बाद थर्ड पे आएंगे तो फिलीपींस में, लेकिन वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फिलीपींस के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे प्राइवेट ज़्यादा है और प्राइवेट में भी कुछ ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे बजट क्राइटेरिया आपका ऊपर आ जाएगा। करीबन 30 लाख से नीचे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। ओवरऑल बजट आपको देखना रहेगा। फिलीपींस में कई बार आपको सिर्फ ट्यूशन फीस का बजट दिखा के गुमराह करने को ट्राई किया जाएगा,
लेकिन आपका फूडिंग एक्सपेंस, आपका एकोमोडेशन और ट्यूशन सब मिलाएंगे तो 30 के नीचे बजट नहीं मिलता है। उसके बाद आती है जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी। जॉर्जिया में भी फिलीपींस जैसा सिमिलर माहौल है, लेकिन जॉर्जिया में आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो ड्रीम पूरा करना है आपको, तो वहाँ पे टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यूनिवर्सिटी का बजट करीबन करीबन आपका 35 लाख के ऊपर जाता है। तो बजट इश्यू नहीं है, तो आप जॉर्जिया को प्रीफर कर सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट हम लोग वो ग्रेड वन का ऑप्शन बोल रहे हैं, एक्चुअली ये ऑप्शन फर्स्ट पे नंबर पे रहता था, लेकिन इस साल जो बॉर्डर इश्यूज चल रहा है उसकी वजह से वो जो ऑप्शन है वो नीचे है, वो है चाइना। अगर बॉर्डर इश्यूज नहीं होता तो मैं ऑलवेज चाइना को सबसे नंबर वन पे बताता, क्योंकि एक तो कोर्स ड्यूरेशन आपका वहाँ पे कम हो जाता है, प्लस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ज़बरदस्त है वहाँ पे, प्लस पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है तो पेशेंट फ्लो भी मिलता है। उसके बाद अगर ग्रेड टू के अंदर हम लोग बात करेंगे कंट्रीज़ की, तो उसमें आता है बांग्लादेश, आर्मेनिया और बेलारूस। बांग्लादेश की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट बांग्लादेश का वो हो जाता है कि वो इंडिया के काफ़ी नज़दीक आया हुआ है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री बहुत नज़दीक है। दूसरा, पॉपुलेशन सिमिलर टू द इंडिया, हिंदी बोलने वाले प्रोफेसर भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो लैंग्वेज बर्डन भी आपके लिए कम हो जाता है वहाँ पे, और FMG का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इट्स नॉट अ डेवलप लाइक इंडिया, तो हर एक स्टूडेंट का वो ड्रीम नहीं होता, लेकिन कई बार कई स्टूडेंट पूछते हैं इस ऑप्शन के बारे में, और ये गलत कभी भी नहीं है, ऑप्शन अच्छा ऑप्शन बोल सकते हो आप इसको। आर्मेनिया, जो अभी आर्मेनिया का तुर्की और अज़रबैजान के साथ जो वॉर चल रहा है, जो कंडीशन है उसके लिए, वो हम लोग कभी भी उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, इट्स अ रिस्की जोन। उसके अलावा जो बेलारूस की बात करेंगे, तो बेलारूस इट्स अ पार्ट ऑफ रशिया बिफोर फ्यू ईयर्स, और आज की डेट में उसके नाम में भी आपको रशिया देखने को मिलता है। और दूसरी बात, उसका बजट भी देखेंगे तो रशिया के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, और उतना डेवलप नहीं है, वो टोटली डिपेंड है रशिया की इकोनॉमी के ऊपर, तो बेटर है बेलारूस की जगह पे रशिया ही प्रीफर करें आप। और ग्रेड थ्री की बात करेंगे तो वो कंट्री हम लोग कभी भी आपको प्रीफर नहीं करेंगे, जो है कैरिबियन कंट्री, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का रिसेंटली जो न्यूज़ आया था वो नॉट्स हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे आपको शो करने के लिए, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को डीलिस्ट कर दिया है, और मे बी इंडिया में भी ये चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर। तो किर्गिस्तान एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है अगर आप सिलेक्ट करने जा रहे हो लो बजट की लालच में आके। दूसरा जो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का FMG का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आप FMG के अंदर कारागंडा का आप देख रहे हो रिज़ल्ट, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन किया गया है, दो रिज़ल्ट वहाँ पे कारागंडा के रखे गए हैं, कारागंडा स्टेट और दूसरा एक यूनिवर्सिटी कारागंडा है, वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी है, दोनों का अगर आप मिला लेंगे तो ऑन एवरेज रिज़ल्ट वहाँ पे आपको कम ही दिखने वाला है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाने को ट्राई किया गया है। और उसके अलावा जो ऑप्शन आता है कैरेबियन, एक बहुत बुरी लालच बोल सकते हो आप इसको, US का ड्रीम लेके बच्चा जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे ड्रीम उसका फुलफ़िल नहीं होता है, और दूसरा ही कोई नज़रिया लेके रिटर्न आता है। US जाना बहुत कम लोग के नसीब में यहाँ पे हासिल हुआ है, तो कैरेबियन कतई ही अच्छा ऑप्शन नहीं बोल सकते आप, इट्स अ वेरी बिग स्कैम्स, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे प्रमोट क्या किया जाता है, MBBS इन USA के नाम पे, और भेजा जाता है वेस्ट इंडीज़ के टापू के ऊपर, और वहाँ से बच्चा कहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा वो किसी को भी नॉलेज नहीं है। और जो बच्चा नीट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा है वहाँ पे कैरेबियन में, उनको भेजा जा रहा है कि भाई वो वहाँ पे जाके USMLE क्वालिफाइड करेगा। जो बच्चा नीट क्वालिफाइड नहीं कर रहा है वो USMLE कैसे क्वालिफाइड करेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो लेटेस्ट FMG का जो रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है 2020 का, बहुत ही बड़ा एक झटका बोल सकते हो आप इसको, और कई लोगों की यहाँ पे आँख खुल जाएगी जो इसको गलत तरीके से देख रहे थे आज तक। और उसके पीछे का जो रीज़न है, जो FMG का रिज़ल्ट क्यों गलत आया था, उसके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन उसके आंकड़े फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टोटल 17,789 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से करीबन 1,697 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था, और जिसमें जो फेल स्टूडेंट थे वो करीबन 13,790 स्टूडेंट फेल हुए थे। उसके अलावा जो विथहेल्ड और एब्सेंट स्टूडेंट थे वो करीबन 2,000 से 2,500 जितने स्टूडेंट थे। तो जो एवरेज रिज़ल्ट अगर आप काउंट करेंगे तो करीबन 10.9% रिज़ल्ट था, जो कि अब तक के पूरे कैरियर का सबसे कम रिज़ल्ट बोल सकते हो आप FMG का। और ये कम होने का रीज़न था, ये एक आगाज़ बोल सकते हो नेक्स्ट के एग्ज़ाम का, क्योंकि इस बार का जो FMG का रिज़ल्ट था
इट्स ए इमेज बेस एंड कॉन्सेप्ट बेस, जो कि बहुत कम लोगों के ध्यान में आया हुआ है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उन लोगों ने क्वालिफाइड किया है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, सिर्फ थियोरिकल रटा हुआ है, वो लोग नहीं कर पाए थे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम मेडिकल प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 2013 में शुरू हुआ था, और 13 में कोई इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे नहीं पहुँचा था, तो जो फर्स्ट बैच उसकी बाहर निकलेगी वो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम आएगी उसके अंदर आएगी कज़ान फेडरल की बैच। लेकिन जैसे हमने बोला फेडरल यूनिवर्सिटी टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट लेवल है कंपेरेटिवली अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज ट्राई कीजिए सबसे पहला ऑप्शन कज़ान फेडरल रखने के लिए। इस साल के लिए अगर कज़ान फेडरल में आप सोच रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट एडमिशन ख़त्म होने आया है वहाँ पे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है क्रीमिया फेडरल का। क्रीमिया फेडरल भी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है जो यूक्रेन से अलग होकर रशिया में शामिल हुआ था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्रीमिया स्टेट को फेडरल में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद से उसका डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया हो रहा है, और उसका इवन FMG का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल सकता है FMG की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन क्रीमिया फेडरल करीबन 26 या 27 अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, और लो बजट ऑप्शन भी है ये। करीबन 25 लाख के अंदर अंदर आपका कम्प्लीटली विथ ऑल एक्सपेंसेस कम्प्लीट हो जाता है MBBS, तो एक बेटर ऑप्शन आप बोल सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 60% की रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट के अंदर मिला के। उसके बाद आती है कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर स्टेट के अंदर आप जाते हो तो उसका भी FMG का परफॉर्मेंस करीबन 35% के आसपास देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है स्मॉलेस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये चारों यूनिवर्सिटी को आप रशिया के अंदर बेटर ऑप्शन गिन सकते हो। उसके बाद अगर यूक्रेन के अंदर हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न पार्ट के अंदर, तो इवानो फ्रेंकिव्स एक अच्छा ऑप्शन है विद द लो बजट, काफ़ी अच्छा सिटी वाइज भी बोल सकते हो, प्लस पोलैंड से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, तो एक यूरोपियन फील आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, मीन्स एजुकेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो इवानो का सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख सकते हो, उसका FMG का परफॉर्मेंस भी तीनों बार का आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है लवी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा हाईली बजट हो जाता है, एक प्रीमियम ऑप्शन बोल सकते हो आप यूक्रेन का। उसके बाद जो आता है लो बजट में अगर चाहिए आपको दूसरा ऑप्शन, तो है टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी सिमिलर टू द इवानो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे दो यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो तो बुकोविनियन विनिसा भी आप ले सकते हो, अगर वेस्टर्न पार्ट को आप सिलेक्ट करके जा रहे हो तो। उसके बाद फिलीपींस में अगर बात करेंगे तो बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, जिनका FMG का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनका FMG का परफॉर्मेंस एवरेज लेवल है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एकदम रेप्यूटेड मानी जाती है फिलीपींस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक है दवाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी। दवाओं का बेनिफिट ये रहेगा कि वहाँ पे ज़्यादातर जो एकेडमिक स्टाफ है या एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हो वो इंडियन डॉक्टर्स का भी है वहाँ पे, तो उसका एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो, और उसके लिए ही यहाँ पे जो FMG का रिजल्ट है दवाओं का वो मोर देन 50% आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरा जो है वो है UV ग्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन। दवाओं जो है वो एक प्रीमियम ऑप्शन है, जो इसका बजट ज़्यादा है वो दवाओं प्रीफर कर सकते हैं, जिसका बजट कम है लेकिन दवाओ जैसा है सिमिलर एजुकेशन चाहिए तो उनके लिए UV ग्लास इज़ अ बेटर ऑप्शन। दूसरा उसके बाद अगर बात करेंगे तो अवर लेडी ऑफ फातिमा, जो कि एक नंबर वन यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं फिलीपींस के अंदर, और काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट है यूनिवर्सिटी के लिए सबको। और उसके बाद बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ एंड अमा स्कूल ऑफ मेडिसिन, दोनों यूनिवर्सिटीज़ मनीला में आई हुई है, और एक इकोनॉमी बजट के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ दोनों में भी आपका बजट तो है वो 30 लाख के आसपास आप बोल सकते हो, 30 लाख के नीचे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे जो ग्रेड वन में एक कंट्री जो बचती है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है, प्राइवेट ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे दो है, एक इवाने जवेस्की है और तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दोनों अच्छे ऑप्शन बोल सकते हो। उसके अलावा डेविड यूनिवर्सिटी जो है उसका FMG का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है आज तक का, तो डेविड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डेविड का जो बजट है वो करीबन 45 लाख के आसपास जाएगा आपका। तो अगर बजट आपका कम है तो ये यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सिलेक्ट मत कीजिएगा। और उसके बाद अगर इकोनॉमिक बजट में जाना है आपको तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, वो एक इकोनॉमी बजट यानी कि 35 लाख तक आप बोल सकते हो। जॉर्जिया में 35 के नीचे कोई भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, तो ये खास ध्यान रखना आवश्यक है आपको। और उसके अलावा फिर ग्रेड वन में हम लोग बात करेंगे चाइना में, तो चाइना में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है,
लेकिन आज की डेट में किसी को भी प्रीफर करना वो थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। हाँ, इन फ्यूचर अगर बॉर्डर इश्यूज प्रॉपर हो जाते हैं तो उस टाइम पे डेफिनेटली उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेट टू कंट्रीज़ के बारे में, तो उसके लिए जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट एक दूसरा बनाएंगे, वो स्पेसिफिकली ग्रेट टू की कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा। दूसरी बात, हमने थोड़ा एक इनिशिएटिव लिया इस बार से और पहले से भी ले रहे, हमारे तो पुराने वीडियो भी आप देखेंगे तो हम आपको एक चीज़ इंसिस्ट करते हैं कि वीडियो जो देख रहे हो आप नीचे का डिस्क्रिप्शन ज़रूर से पढ़े, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेलिंग में चीज़ दी गई है, डिटेलिंग लिंक दी गई है हर एक चीज़ का, आपको वहाँ पे विथ एविडेंस चीज़ देखने को। दूसरा, एक जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है, सी देखिए, आपके लिए 10 कंसल्टेंट से इंक्वायरी करना बहुत नॉर्मल चीज़ होगा, लेकिन एज अ ऑप्थाल्मोटिम हमारा मोटिव एक ही है कि हम लोग प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचा सके। हम आपको इंसिस्ट करेंगे ये फॉर्म को डिटेल में फिलअप करें, और फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से रिसर्च करें, ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, हमारा भी टाइम बर्बाद ना हो, और एक प्रॉपर गाइडलाइन हम आपको प्रोवाइड कर पाए अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो और ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट है हमारी, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ये फॉर्म को थोड़ा सीरियसली लेना आपको आवश्यक रहेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ हमने यहाँ पे डिटेल में बताने के लिए प्रयत्न किया है हमारी ओर से, और इससे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी कि कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और फिर से रिक्वेस्ट है मेरा, ये अपना सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।